गाइस हमें जो है बेचना पड़ रहा है बड़े अफसोस के साथ राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों तो आज का प्यारा ब्लॉग रागनी गुड मॉर्निंग बोले भैया लोग को। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? तो गाइस अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, सोनी जो जा रही है पढ़ने के। ठीक है, जाओ जाओ, लेट हो जाएगा, जाओ। अभी हमें जाना है खुशबू दीदी के यहाँ, ना चलोगी? अच्छा जाओ, तुम जाओ पढ़ने चले जाओ। और देखो गर्मी का टाइम आ गया, फिर भी जो है ऐसा लग रहा है ना एकदम जैसे ठंडी का मौसम, कुहेसा लगा हुआ है चारों तरफ। मंदिर में गाना बज रहा, इतना औसम नजारा, मजा। अभी हम नहावा के सवेरे रेडी हो गए, पहली बार जितना दिन से व्लॉगिंग कर रहे हैं तो शायद लग रहा है कम से कम 3 या 4 महीना बाद जल्दी हम रेडी हुए हैं। दीदी के यहाँ जाना है और शादियों को लेकर कुछ जो है वहाँ से सामान वान लेकर के आना है, सब्जियाँ वगैरह है ना, शादी लग जाए इसीलिए। आलू लाना है 3 बोरी, जो ड्राइवर साहब वो उधर ही है साइड में गाड़ी लगा के रखे हैं। लाना है मरवा का खर, वो है पे सब पे लाद के लिए। हाँ, ऊपर में रख लूंगी। अच्छा ठीक, क्रीम लगा रही है सवेरे सवेरे ताकि हम गोरा दिख सके है ना, और टीका लगा रही है। फिर आशीर्वाद लेके मम्मी के चलते हैं यहाँ, खुशबू दीदी के यहाँ जाएंगे। जो आर्यन नहीं छोटा सा ब्लॉग में दिखता था उसी के यहाँ जाना है। खुश रहो, मस्त रहो, जल्दी जाओ बहन के, लौट करके जल्दी। मम्मी बोले कि खाली पेट मत जाओ, तो ऐसा मुंह उठा लेते क्योंकि टाइम नहीं है। हम आएंगे तो खाएंगे, हम से तुरंत चले आएंगे। मम्मी ये बोली दे रही है, आलू लाने की सारा व्यवस्था है। थोड़ा थोड़ा किरण उग रहा है, देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। ऑटो आ चुका है, चलो आज का सफर ऑटो में। अच्छा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, चेक करने के लिए। चेक करने के लिए। हाँ ये चल रहा है कि अभी धूप होने वाला है, बट गाइस गर्मियों के मौसम में इतना ज्यादा कुहेसा है, आप खुद देख सकते हो। देखो चारों तरफ कुहेसा ही कुहेसा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ठंडी का मौसम आ चुका है, ऐसा वाला फील हो रहा है एकदम। ठंडा ठंडा बर्फ हवा चल रही है एकदम। तो फिलहाल गाइस पटोरी पहुंच चुके हैं, आज पहली बार ना दूसरे रास्ते से लेकर के आए ड्राइवर साहब, और यहाँ से करीबन कभी अभी आधे एक घंटे का रास्ता है दीदी के यहाँ। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं जंदाहा, ये मेन जंदाहा का चौक पड़ता है। यहाँ से पटोरी का रास्ता, मानहार का रास्ता, हाजीपुर का रास्ता, सभी रास्ता यहीं से मिलता है। तो गाइस फाइनली दीदी के घर पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंचने से पहले मिठाई ले लेते हैं। ये दसपरहा चौक पर करीबन 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा दीदी का घर। और गाइस रास्ता इतना खराब है ना, टेम्पो से आने में हालत खराब हो गया, फिर अभी 5 किलोमीटर चलना होगा। दीदी के घर पे पहुंच चुके हैं, इधर रहा आर्यन, लो गाइस ये रहा हमारा प्यारा सा दीदी का घर, वो हमारे दीदी के लिए स्वर्ग से भी सुंदर है। जैसा जिया जी जल्दी घर बनाने वाले, कमेंट करते हो कि आपकी दीदी का घर ऐसा क्यों है।
तो अभी हम घर पहुंचेंगे ना आलू लेकर के, फिर आप लोग से बातें करेंगे। मेरा आलू जो दीदी रखी हुई है खरीद करके, तो इस आलू को ले जाना है घर में, है ना। और इस आलू को करीब करीब 1.5 महीना रखना है शादी तक। जब दीदी आलू को जो है कस रही है बोरा के अंदर। अरे गाना सुनाओ तो। अब सुनो कैसा बताऊं, सुनाओ 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 सुना नहीं कर रहा सुनो। हाँ गाओ गाओ तो गाओ ना, इधर वीडियो में देखेंगे सब। इधर देखो गाओ ना, तो 2 रुपया मिलेगा अभी। गाओ कचा बेदम दादा कचा बेदम, बोलो बोलो गाओ। आमा गुच्ची 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 ऐसे करके गाता है गाना ये। गाइस हमारी दीदी इतनी अच्छी है, हम लोगों के बारे में सोचती है, और इतना खराब कंडीशन होने के बाद भी जो यहाँ पे आलू जो खेतों वगैरह में बोती है तो हमारे घर के लिए भेजती है ना। तो ऐसे पहले हमारा भी घर का कंडीशन हुआ करता। और इधर आलू का बोरा जो पैकिंग कर दी है दीदी हमारी, हमारी 6 बहनें हैं, बहुत प्यार करती है हमें, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। कहीं से भी कोई भी चीज़ होता है ना तो भेजती रहती है कि हाँ बाबू ये चीज़ घर के लिए रख लो, चाहे मम्मी को कॉल करके बोलती है कि ये चीज़ हम भिजवा देते हैं। तो चलो आलू फाइनली पैक हो चुका है और अच्छे तरीके से सिला भी चुका है। अब इसको क्या करना है, ऑटो पे रखना है। आर्यन नानी के यहाँ चलेगा? चलोगे? दांत दिखा दांत दिखा, दांत टूटा हुआ है तुम्हारा। आर्यन सारा कुछ पैक हो चुका है। ये मरवा के लिए रखा जाता खर है, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में खर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। और यहाँ पे आलू का बोरी जो इस तरीके से एडजस्ट किया गया, तो ड्राइवर साहब भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए इसमें, है ना, बहुत भारी भारी उठा के रखना पड़ा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी चलेंगे खाना वाना खाएंगे, फिर सीधे निकलते घर। खाना वाना खा लिया, बारी दीदी के यहाँ से निकलने का। तो गाइस फाइनली दीदी के घर से आ गए थे और मेरा हाल देख सकते हो, अभी 3 बोरा जो ऐसे ही लाद करके ले गए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है। आधा बोरा कहाँ गया? आधा बोरा वो उसका था ना, जो बोला ज्यादा उससे था, है ना, बोले भी नहीं निकल रहा है, इतना ज़्यादा हालत खराब है। गिर मत जाना, गिर मत जाना, नहीं कैमरा खुद ही गिरे जा रहे हैं, है ना। तो आलू जो है घर में खाने के लिए भी रखा जाएगा और आगमी दीदी के शादी के लिए बचा के आओगे, दोनों काम के लिए। इसी तरीके से गांव में जो है जीवन व्यापन होता है। घर पे जो है आलू को रख देंगे और इसको पूरा दिन आराम करेंगे, बहुत थका दी मम्मी। चलो भाई आज का काम फिनिश, मम्मी चीनी वाला शरबत बनाओ, पियेंगे आराम से। गाइस अभी मुँह कान धुल करके जा रहे आराम करने के लिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है रीढ़ का हड्डी काम नहीं करता है, है ना। रीढ़ का हड्डी काम नहीं करने की वजह से हम काम में लगे हुए थे सवेरे से ही, क्या कुछ बता ही नहीं सकते। आराम करके फिर मिलते हैं आप लोग से, ऐसा बोल रहे तो एकदम हर्राहट से हो रहा है, पर व्लॉग करना है कि नहीं, और काम भी करना है। ज़िंदगी में तो दुख सुख आते रहता है, इस चीज़ को झेलना है। ये तो हमारी पुरानी आदत है, फैक्ट्री में काम करते तब भी भारी सामान उठा देते, अभी भी उठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा रीढ़ में प्रॉब्लम हो सकती है और होता भी है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फिर आराम। तो भाई अभी का सीन क्या है, मम्मी जो है ये बुढ़िया को इस केवारी के अंदर जो है चिपका दिए, पता नहीं कैसे ही अटका दिए, यानी चिपका दिए अटका दिए, आप लोग कुछ भी समझिए कैसे कर दिया मम्मी। आप कह रहे थे ऐसे करके कि पीरा था खींचा गया कि उसमें बच गए। अच्छा कोई बात नहीं,
तो अभी जस्ट मैं गाइस सोकर के उठा हूँ और मम्मी छोटा सा काम फिर से दे दी, केवारी के अंदर मतलब कहते पीढ़िया को फंसा दी और बोलने लगी बाबू जल्दी से बंद कर दो नहीं तो बिल्ली उल्ली घुस के दूध को पी जाएगा। तो अभी क्या है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो भैया लोग आए हैं मिलने के लिए। और कहाँ से आए मम्मी? महदीनगर पतसिया से आए मिलने करके। हालांकि उठने का मन नहीं था बट भैया लोग के लिए उठना पड़ेगा है ना, तो चलो अभी जाके मिल करके आते हैं ठीक है मम्मी। हाँ ठीक है। बहुत ही ज्यादा पूरा शरीर थक गया है तो अभी गए नीचे फटाफट। हां पतसिया से। कहाँ से आए? महदीनगर से। अच्छा अच्छा बैठे 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 टीवी वीडियो ऑन है क्या? हाँ। अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम, हम सुहानी को ढूंढ रहे हैं, सुहानी मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई घास लाने के लिए। मम्मी को मना करते हैं कि शाम में भेजा मत करो, फोटो क्लिक करना पड़ता है यूट्यूब के लिए। उस साइड में गई, वो जंगल देख रहे हैं आप लोग, जब उस साइड में गई है। परेशानी ये होता है कि जब हम व्लॉग करते हैं ना तो अपना हाथों से ऐसे पकड़ के कैमरा करते रहते हैं, बट जब हमें फ़ोटो क्लिक करना होता है या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है, अच्छे से बात करना होता है, तो सुहानी कैमरा को पकड़ती है ज़्यादातर, उसी ये सारा काम होता है। गाइस देखिए, बड़ी बहन कपड़ा को साफ किए अभी और छोटी बहन अभी घास लेकर के आई है। कपड़ा कहाँ गिरा हुआ है? अच्छा अब सबको साइड देंगे। देखिए एक यूट्यूबर का घर देखिए आप किस तरीके से कपड़ा। रागिनी शिकायत कर रही है कि हम साइड का रखवे कर लिए, एकदम गंदा कर दिए। कहाँ चली गई थी? हमने क्या लिया घास लाए अपन खेत में से। अपन खेत में से खेकरा ले हे ओकरा ले बकरी ले। अच्छा एक तो पकड़ के तब मार मारेंगे। देखिए हमारी प्यारी बहन खुशबू दीदी जो है खेतों में मेहनत करके हमारे लिए धान भेजी है, वो भी रागिनी के शादी के लिए। लावा कुटाएगा, लावा खीर बनेला ना, लावा कुटाने के लिए। और ये रागिनी के मरवा के लिए यानी मंडप के लिए आया गया है। इस देखो यहीं पे इस छत के ऊपर मंडप बनेगा और हमारी प्यारी बहन यहाँ से विदा होकर जाएगी, यानी हमारे मेन घर की मुसीबत खत्म, टेंशन फ्री। तुम्हें तो वो छिपकली चट्टी कर दी थी उसमें, सच्चे में ना रखने सच में, तभी हम नहीं पहन रहे थे। पहनो तो एक बार पहनो, बड़ा अच्छा लगे थे ना वीडियो। तो गाइस हमें जो है बेचना पड़ रहा है बड़े अफसोस के साथ राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग भी चौंक गए होंगे कि राजा ब्लॉग भैया को क्या हो गया, सिल्वर प्ले बटन निकाल उगल के जो है चैनल बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। पेमेंट मंथली आवे करता है फिर भी चैनल को क्यों बेच रहे हैं, ब्लॉग व्लॉग बनाने का मन नहीं है क्या, मेहनत करना छोड़ देंगे? तो मम्मी से हम ये सवाल पूछते हैं, पहले इसको रख देते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा कीमती चीज है। मम्मी हमको ये बताओ कि हमारा राजा ब्लॉग यूट्यूब चैनल कितना में बिक जाएगा? बताओ तुम बताओ रागिनी तुम बताओ। 1 करोड़ में। 1 करोड़ में ले बोल दी 1 करोड़ में दाम। तो एक्चुअली में ये इसलिए हम बोल रहे कि हमारे पास एक अनोखा सब्सक्राइबर आए थे और थोड़े वो पैसे वाले थे है ना, अब दिखने से लग रहा था कि हाँ वो हाई फाई थे, तो हमसे क्वेश्चन किए कि राजा ब्लॉग जी आपके अपने यूट्यूब चैनल बेचेंगे है ना, सोचने वाली बात है, बेच दे मम्मी? नहीं बेचे रहेंगे। तो हमने उनको बोला था हंसते हुए कि मैं अभी आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा। हालांकि ये व्लॉग वो देख रहे हैं, अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल बेच भी देता हूँ, मान लो बेच देता हूँ ठीक है, किसी पर्सन के साथ ऐसा परिस्थिति आ गया ठीक है, तो सारे जो ऑडियंस जो मुझे सपोर्ट करती, जो आप लोग देखते हो फैमिली, तो पहली बात तो आप लोग नाराज हो जाओगे, दूसरी बात यह है कि जो दूसरा व्यक्ति हमारे चैनल पर काम करेंगे उनको आप देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि शुरू से आपने हमको सपोर्ट किया है। खुद से मेहनत कीजिए, खुद अपना नाम खड़ा कीजिए, खुद जो है सब्सक्राइबर को अपनी तरफ खींचिए, उनको प्रसन्न कीजिए, अच्छे से ब्लॉग दीजिए ताकि वो प्रसन्न हो, आपको सपोर्ट करे, आगे तक बढ़ाए। मैं चाहता हूँ कि अपने माता पिता को ना राजा रानी की तरह रखते है ना, किसी चीज़ की कमी ना दो। तो बस आप लोगों को क्या करना, सपोर्ट करना। तो बिहार समस्तीपुर से देख रहे हो पूरा फुल सपोर्ट, आदेश्वर से देख रहे हो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट करो। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन रहता है कि आप जब भी ब्लॉग इन करते हैं तो पूरा परिवार के साथ में आ जाते हैं, तो ब्लॉग है तो ये फैमिली ब्लॉग है, तभी तो सब लोग एक साथ बातचीत करते रहते। रागिनी आज के ब्लॉग तुम खत्म करो, बोलो।
आवा फुल बिहार से समस्तीपुर से देख रहे हैं हम वाला चीज तो जा तुम कैमरा पकड़ो सुहानी को आओ इधर धन्यवाद बगल में इंस्टाग्राम का आईडी है जाकर फॉलो कर लीजिएगा।